अस्सलाम वालेकुम मेरे देश परदेश वालों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? आज मेरी एक कोलीग के साथ मेरी बात हो रही थी, हम कन्वर्सेशन कर रहे थे किसी टॉपिक पे, तो उसमें इन्होंने मेरी एक इंग्लिश के एक वर्ड में एक गलती निकाली। शी इज़ एमफिल इंग्लिश, तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। तो इसी तरह हम बात कर रहे थे, तो रूटीन में बोले जाने वाले अल्फाज जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बातचीत में यूज़ करते हैं, इंग्लिश के कुछ अल्फाज, तो उनमें हम बहुत सी लफ्ज़ जो है ना वो गलत बोल जाते हैं या प्रोनाउंस करने में गलती करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों को भी साथ शामिल करूँ इस गुफ्तगू में, तो और कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मिस? ठीक है, खैरियत है? तो हम बात कर रहे थे आम जर्नल बोले जाने वाले अल्फाज के बारे में, जैसे आपने कॉन्वर्सेशन का लफ्ज बताया। जनरली हम कन्वर्सेशन बोलते हैं, 99% लोग यहाँ पे कन्वर्सेशन बोलते हैं, बट इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है कॉन्वर्सेशन। इसी तरह मतलब अब डेली लाइफ में जैसे हमारे पास अब मोबाइल, हम मोबाइल में लगाते हैं अपने, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं कि यार उसने बड़ा अच्छा स्टेटस लगाया हुआ। 99% लोग यही कहते हैं, तो स्टेटस नहीं होता, वो होता है स्टेटस। ठीक है, देश प्रदेश वालों, स्टेटस नहीं स्टेटस। इसी तरह मोबाइल भी आप पैकेज करवाते हैं तो कहते हैं जी कितना डाटा बच गया तुम्हारा, तो वो डाटा नहीं होता, उसको हम एक्चुअली वर्ड प्रोनाउंस करते हैं डेटा। डेटा जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप लोग वीडियोस पे करते हैं, अक्सर कहते हैं जी कमेंट सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, तो मैंने वैसे नहीं कहा मिस कभी भी, क्यों देश प्रदेश वालों, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा, क्योंकि आपकी मोहब्बतें पहले ही बहुत हैं, इसलिए मैंने नहीं कहा। ये नहीं है कि कहने के बगैर आप कर रहे हैं, ये नहीं है, आपकी मोहब्बत है, लेकिन मैंने रूटीन में ये कभी वैसे अल्फाज बोले नहीं है जी, प्लीज। तो ज्यादातर मतलब लोग जो जी बोलते हैं कमेंट बोलते हैं, वो एक्चुअली में वर्ड होता है कमेंट। कमेंट, ठीक है, बिल्कुल। और फिर हम एक वर्ड जनरली बोलते हैं प्रेफर, जिनमें यह इस चीज को मैं प्रेफर करता हूँ, तो वो प्रेफर नहीं होता, वो होता है प्रीफर। प्रीफर, ठीक है। तो जैसे हम किसी के साथ बैठते तो हम कहते हैं यार मैं यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो वो कंफर्टेबल नहीं होता, वो होता है कंफर्टेबल। उसमें आर को आपने स्ट्रेस नहीं करना होता, आपने बोलना होता है कंफर्टेबल। इसी तरह हम रोज़मर्रा की जो रूटीन में वर्ड्स गलत बोलते हैं, अक्सर हम प्रोनाउंसिएशन वर्ड जो है उसी को गलत बोल जाते हैं, लोग बोल जाते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, ये होता है प्रोनाउंसिएशन। वेरी गुड। आजकल कौन सा मंथ चल रहा है? आजकल अप्रैल चल रहा है ना सर। सर आपने सही प्रोनाउंस किया, ज्यादातर लोग अप्रैल बोलते हैं, मुझे पता था आपने मेरी गलती निकाल देनी है तो इसलिए ये अप्रैल होता है, अप्रैल। हाँ, तो इसी तरह हम खाना जिसमें गर्म करते हैं, लोग कहते हैं ओवन में खाना गर्म कर लेते हैं, बट ओवन नहीं होता, वो अवन होता है। इसी तरह अनियन होता है, जब हम प्याज तो सब्जी की बात हो रही है तो वेजिटेबल बोलते हैं, वेजिटेबल नहीं होता। नहीं, वो अनियन वाली बात समझ नहीं आई, जरा दोबारा बताएं। ऑनियन का जो ओ है वो ऑनियन हम बोलते हैं, लेकिन उसका ओ को हम प्रोनाउंस करना होता है अनियन। ओ की शॉर्ट कर देना ना उस। जी, ओ को अ साउंड, अनियन साउंड हमने बोलनी है। इसी तरह ओवन की ओ साउंड को हमने अ कर देना, अवन, ठीक है। और वेजिटेबल का हमने कर देना है वेजिटेबल, ठीक है। और आजकल अगर आप कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लोग ज़्यादातर करियर कहते हैं, कैरियर कहते हैं, कौन सा कैरियर, साइकिल वाला कैरियर, साइकिल वाला बना देते हैं। हाँ। तो वो साइकिल वाला नहीं होना चाहिए, वो करियर होना चाहिए। अगर वो करियर ही होगा तभी आप अच्छा करियर बना अच्छा सकें। कैरियर। इसी तरह मैंने आपको डिफरेंट मिसालें दी हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं। हम लोग कहते हैं जी हमने एग्जाम्पल दिया, जी ये एक एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल नहीं होता, एग्जाम्पल होता है। और इसके अलावा कुछ दो चार बताएं मेरे देश पर देश वालों का फायदा हो जाए मिस। और इसके अलावा मिस जर्नल जो वर्ड बोले जाते हैं, हम लोग अपने बिजनेस के लिए जो इश्तिहार देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि यार एडवर्टाइजमेंट दे दो, मेरी एडवर्टाइज कर लूँ मैं अपने आप को, तो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, वो होता है एडवर्टीजमेंट जी। इसी तरह हम अभी बैठे हुए हैं चेयर्स पे, तो लोग सारे चेयर्स बोलते हैं, चेयर्स में आर पे स्ट्रेस नहीं होता, सो हमने लाइटली बोलना होता है, हमने इसको बोलना होता है चेयर। मतलब आर को साइलेंट करना हमने। जी बिल्कुल, आर को हमने
साइलेंट कर देना। तो फिर उसका यही बचता है ना, चाय को थोड़ा सा टेढ़ा कर दे तो चेयर बन जाएगा, चेयर फिर भी आर साइलेंट ही होना। बिल्कुल ऐसा ही ये है। भी मेरी गलती, आपने निकाल देनी थी, है भी यार। यानी देश परदेश वालों, चेयर आम लफ्ज बोला जाता है, कुर्सी को इंग्लिश में चेयर कहते हैं, चेयर का आर जो है ना वो हम उस पर बड़ी स्ट्रेस देते हैं, उसको समझ भी आती है, बोला जाता है वो, उसको साइलेंट रखना है चेयर, ऐसे ही मिस जी। बिल्कुल इसी तरह हम लोगों की बात करते हुए तो पीपल्स, जब जब हम लोगों की बात कर रहे होते हैं तो हमने पीपल पहले ही पर्सन की प्लूरल है, जमा है, तो हम लोग की पहले से ही जमा की चीज़ों की जमा बनाने लग जाते हैं। इसी तरह हमारे पास ये पीपल्स होता है तब होता है जब मुख्तलिफ नेशंस के मुख्तलिफ जो लोग होते हैं, जिनकी मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ हों, तब हम उनको पीपल्स कह सकते हैं। जी मेरे देश पर देश वालों, हमने मिस के आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें सीखी, इनसे इस्तफादा हासिल किया, बड़ी अच्छी बातें इन्होंने बताई गुफ्तगू में। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये बातें करते हैं और वर्ड बोले जाते हैं, यूज़ होते हैं, तो होपफुली कि हम इससे सीखेंगे इस वीडियो से। मेरे देश पर देश वालों, लाइफ को इंजॉय करें भरपूर तरीके से, पॉजिटिव वे में, और अपनी खुशियों का स्विच ऑन करके रखें। मायूसी गुनाह है, मायूस ना हो किसी भी बात पे, किसी भी चीज़ पे। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।